जी क्या बोलना चाहोगे आज? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 78 इंडिपेंडेंस डे की। आई एम रियली हैप्पी कि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कैमरा लो, बिकॉज अभी तक जो अभी लास्ट कुछ दिनों में चल रहा है, एक लड़की जो इंसिडेंट से गुजरी है, द रेप केस, उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। सो आई होप शी गेट्स जस्टिस सून। इंडिपेंडेंस डे की खुशी भी है बट एक दुख भी है। सो लेकिन ऐसा जी आपको नहीं लगता गवर्नमेंट दबा दी ये न्यूज़ को? कल प्रोटेस्ट हुआ इतना ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं आपको पर्सनली बता दूँ, आई लिव इन बॉम्बे एंड आई फील सेफ, मुझे सेफ लगता है बॉम्बे में रहना हमेशा। बट आई थिंक जो हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट को वी शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एंड आई होप एंड आई कांट इवन इमेजिन कि जो वो लड़की उनकी फैमिली किस चीज़ से गुजर रही होगी, बट आई होप कि उनको जल्दी से जस्टिस। मीडिया के बारे में क्या बोलना चाहोगे? किसी ने भी रन नहीं किया वो, बट आई थिंक यार ये तो सारी ही लड़कियों को आई थिंक आना चाहिए सामने और उनके सपोर्ट में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, बिकॉज हम इंडियंस हैं। बट उससे बड़ी बात ये है कि इंडिया में यूनो हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ आए दिन बढ़ती जा रही है चीज़ें, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, सो वी शुड रियली स्टॉप दैट और थोड़ा सा हमको ध्यान रखना। उससे पहले दिल्ली में भी ये इंसिडेंट हुआ था, कलकत्ता में हुआ, उसके बाद में दिल्ली की वजह से हुआ। हर टाइम बढ़ते जा रहे हैं, तो आई थिंक हमको ध्यान रखना पड़ेगा, द गवर्नमेंट आल्सो, द पीपल आल्सो ऑफ इंडिया एंड एवरीबॉडी एल्स। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपके बुक के लिए लाई थी, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आराम से ध्यान रखिए। थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।